का जो लोग समझते थे तो धीरे धीरे बढ़न नल के वास्तव भी बेसमेंट में अंदर भी कदम कर रहे हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। भजनगंज पोस्ट ऑफिस भजनगंज में स्थापित है, उसको पूर्व में सारे पोस्ट ऑफिसों को मिला करके आपने नगरा में शिफ्ट किया, जो एक गलत है। यहाँ पर हजारों आदमी की सीनियर सिटीजन है, सब लोगों ने डिपॉजिट करा रखी है, जबकि पूर्व में ये मतलब था कि हम कुछ समय के लिए इसको करेंगे, लेकिन वास्तविकता में आपने जो काम किया ये यहाँ की पब्लिक के विरोध में किया गया है और पब्लिक में आक्रोश है। सारे लोग सीनियर सिटीजन जितने भी लोग हैं उनकी लाखों रुपये की एफडियां 2 तारीख से लेकर के आज तक किसी तरह की कोई एफडियां नहीं हुई है, उससे पब्लिक में आक्रोश है। आपसे निवेदन है कि भजनगंज का पोस्ट ऑफिस भजनगंज में शिफ्ट किया जाए ताकि करोड़ों रुपए का और बिजनेस आए, उससे पोस्ट ऑफिस की छवि अच्छी बने, नहीं तो लोगों का कहना है कि हम सारी राशि निकाल करके बैंकों में जमा कराएंगे। और इसके साथ साथ पब्लिक में ये आक्रोश है, पब्लिक आंदोलन पर उतारा हो जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन अगर हमारा ज्ञापन सफल नहीं होता है तो हम आंदोलन के रूप में चले जाएंगे। आपका नाम? ललित कुमार जारेवाल, सीनियर सिटीजन। यहाँ पर हजारों आदमी सीनियर सिटीजन है, रैंप पर गिर जाता है आदमी वहाँ जाकर के, कोई समझने वाला यही। भजनगंज में पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, उस पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से दूर, इससे यहाँ के बुजुर्ग वो महिलाओं को अन्य लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, वहाँ जा नहीं पाते हैं और इससे सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यहाँ लाखों की जो एफडीआई एमआईएस वगैरह हुआ करती थी उसमें कम लोगों का रुझान कम हुआ है। पोस्ट ऑफिस भजनगंज का भजनगंज में रहे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों का रुझान, जैसे 52-55 साल से यहाँ चल रहा था, बहुत अच्छी परिस्थितियों में चल रहा था, भजनगंज पोस्ट ऑफिस का एक नाम हुआ करता था, वो आज वहाँ जाने के बाद भजनगंज पोस्ट ऑफिस का नाम भी ख़त्म हो गया और लोगों का रुझान खत्म हो गया, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। सरकार से निवेदन है कि हमें सुविधा से वंचित जो कर रखा है वो वापस सुविधा दिलाई जाए, पोस्ट ऑफिस भजनगंज में ही खोला जाए। आपने क्या पैसों से जमा करा रहे हैं? खूब हमारे खूब लाखों रुपए जमा है। कितने लोगों ने कराया? भजनगंज के हजारों लोगों ने पैसा जमा करा रखा है। मैंने तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने का कलेक्टर से इनाम भी लिया है। जब मैं रिटायरमेंट हुआ था 100% पैसा मैंने जमा कराया था, इसे कलेक्टर ने मुझे धन्यवाद पत्र दिया है और जो अभी करता थे मेरे उनने मेरे को पत्र ला के दिया, सोने चांदी के सिक्के ला के दिए। मैं SMT में नौकरी करता था और पोस्ट ऑफिस के MIS के माध्यम से मेरा जीवन यापन हो रहा था, वो हो रहा है। मेरा आप ज्ञापन दोगे कलेक्टर को? हैं, हाँ ज्ञापन देंगे कलेक्टर को, आगे तक शिकायत करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर आपका नाम? मेरा नाम है सूरज प्रकाश। कहाँ के निवासी हो? तानाजी नगर भजनगंज का निवासी हूँ।